ऐसा कुछ नहीं, हमें वो वातावरण चाहिए जिसमें हर चमन के फूल खिले हों। लोग पूरी दुनिया में आज भारतवर्ष का नाम करते हैं, क्योंकि हमें राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे दिल में राष्ट्रवाद की चिंगारी होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जब हमारा दिल फाड़ा जाए तो भारत लिखा हो उस पे, हम उस देश के मानने वाले हैं। हमारा एक सर्वे है जिसमें हिंदू भाइयों ने 100% हिंदुओं ने कहा कि मुसलमानों का भी लीडर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर समाज की पार्टी है और उसका लीडर भी है। हमारे समाज के अंदर नेता तो बहुत हैं मगर लीडर कोई नहीं है। वो ऐसी खामोश रहेंगे मुजफ्फरनगर पूरा जल जाएगा, 50,000 मुसलमान घर से बेघर उस वक्त हो जाएंगे, और जब कैंप में रहेंगे तो आपकी पार्टी बिल्डोजर चलाएगी। हिजाब पे जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सुनाई नहीं दे रहा। ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बोल रहा है, कह रहा है कि मुसलमान अपना शौक पूरा करने के लिए चार चार शादियां करते हैं, उसको मलिहाबाद में उसको स्वागत हार पहनाए जाएंगे, उसका स्वागत किया जाएगा। 100 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, सियाना विधानसभा मेरी अपनी विधानसभा, वहां पे चुनाव हुआ है, ओवैसी साहब का कोई कैंडिडेट नहीं है, वहां पे मुसलमानों के 78,000 वोट है, सब नोटा पे दबैया है क्या? ये वोटर का अधिकार है, अरे वोटर अच्छा कैंडिडेट हो वहां के ऊपर नहीं। समाजवादी पार्टी सुनो मेरी बात, समाजवादी पार्टी बुरी कहना चाह रहा, अरे मेरी बात तो सुनो, देखें समाजवादी पार्टी बुरी, बीएसपी बुरी, बीजेपी बुरी, सारी पार्टियां बुरी है, तो मुसलमान क्या करे? नीचे वाला नोटा का जो बटन है वो दबा के वोट खराब कर आई है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, कुछ जगह चुनाव हो चुके हैं, 172 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, चौथे चरण का चुनाव है, और ये चुनाव जो है वो लखनऊ का चुनाव शुरू हो चुका है। सभी की निगाहें बनी हुई कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी, किसकी गवर्नमेंट आने वाली है। आज हम मौजूद हैं मलिहाबाद चौराहे पर, जहाँ 168वीं विधानसभा पर चुनाव होना है, कल वोट डाले जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग मेरे साथ मौजूद हैं, 172 लोगों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है, जीत किसके पल्ले पड़ेगी ये तो 10 तारीख को पता चलेगा, लेकिन यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं मसूद हसन खान, समाजवादी का नगर पर्यवेक्षक। अच्छा, आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, एक आपने देखा 172 सीटों पर चुनाव हो चुका है, अब जो चुनाव लखनऊ में होने वाला है, 9 विधानसभा का चुनाव है, तो यहाँ का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन हमेशा से ये कहा जाता है कि लखनऊ तो गढ़ माना जाता है बीजेपी का। देखिए परिस्थितियां और हालात बदलते रहते हैं जी। पिछली बार एक हवा, एक वेव थी जो झूठ कर पुलिंदा आया था गुजरात से, तो एक वेव थी कि 15 लाख दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो एक वेव थी, उसमें सब उड़ गए। इसी तरह से आज की तारीख में और जो चुनाव शुरू हुआ है उसमें एक अखिलेश यादव की हवा है। अच्छा, एक हवा चल रही है। अच्छा, उसमें सब तिनकों के रंग उड़ गए। हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी में सरकार बनाने जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। अभी वो कल जो लाशें तैर रही थी उसको कोई भूला नहीं है। कोरोना में जो दवा के अवेलेबल नहीं थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर जो 1,20,000 और 40,000 का बिक रहा था, और इंसानी जिस्म जिस तरह से कुत्ते कौवे खा रहे थे नदियों में, अभी वो भूला नहीं है, अभी वो 15 लाख भूला नहीं है, वो सब उसको याद है। कोई नेता नहीं, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। यहाँ की विधायिका जो मौजूदा हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री की पत्नी है, बहुत काम करना चाहिए था उनको। क्या नाम है? माननीय कौशल किशोर जी, उनकी पत्नी है जयदेवी। मैंने कल एक वीडियो देखी थी, शायद उनका विरोध हो रहा था किसी गांव में। हाँ, मंझी गांव है, कभी हम दादा बाबा हमारे वहाँ जमींदार हुआ करते थे, मंझी बड़वाना निगरोसपुर भवानी खेड़ा और मऊ बाजार गाँव, ये सब हमारे 14 गांव के हम जिम्मेदार हुआ करते थे, लेकिन हम जब पैदा हुए तो बहुत किसान के बेटे थे, दादा सुना जिम्मेदार है। तो कुल मिला के ये है कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व है इस बार। बिल्कुल है। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। क्या नाम है आपका? राजा हमदी। तो क्या माहौल है, कौन से ऐसे मुद्दे जिनको सोचकर आप इस बार वोट करने वाले? हम लोग एजुकेशन का मुद्दा सबसे बड़ा है मलिहाबाद विधानसभा में। जितनी भी सरकारें आज़ादी के बाद से रहीं उसमें ज़्यादातर सेकुलर, जो सेकुलर पार्टी को चौला ओढ़े बैठी हैं, वो उन्हीं लोगों का यहाँ पर राज रहा, उन्हीं के यहाँ पर विधायक रहे, उन्हीं के सांसद रहे। इस बार जो यहाँ की आवाम है वो ये तय करके बैठी है कि हम एजुकेशन और भागीदारी, जो हमारा वोट तो लेते हैं लेकिन जब भागीदारी का मसला आता है तो हमसे कहते हैं कि इनसे नहीं। तो हम लोग जो हैं आपकी ओवैसी साहब की पार्टी यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के साथ में गठबंधन होकर उनका प्रत्याशी रमेश कुमार गौतम, जिसका सिलेंडर चुनाव निशान है, वो यहाँ पर लड़ रहा है और हम लोग उसी का समर्थन कर रहे हैं, उसी को जिताने का काम करेंगे। और जैसे हमारे बड़े भाई बता रहे हैं कि यहाँ जय देवी का विरोध हुआ, तो यहाँ मलिहाबाद के अंदर भी समाजवादी पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है, अभी 2 दिन पहले मीडिया में हम लोगों ने देखा जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने
तमाशा बनाया गया, आपसी में लोग गुद्दा एक दूसरे के गिरेबान पकड़े खींच रहे थे, उससे जाहिर सी बात है यहाँ गुटबाजी चरम सीमा पर है। क्योंकि यहाँ का जो मौजूदा विधायक था उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, समाजवादी से वो टिकट मांग रहा था, उन्हीं ने नहीं दिया। टिकट का बंटवारा भी उनका गलत हुआ है, उन्हीं ने जिसको दिया है वो पैसे वाला आदमी है, और पैसे की राजनीति यहाँ के ऊपर नहीं चलने वाली। यहाँ पर वोटर ने तय कर लिया है कि अब हम अपना जो हक है, अधिकार है हमारा, सत्ता में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे। मुसलमान अब वोट जो करेगा वो इस बात के लिए करेगा, अभी तक तो दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, डरा के हमारा वोट लिया जा रहा था, वो बेखौफ होकर वोट डालने जाएगा, और कल इंशाल्लाह MIM पार्टी का प्रत्याशी यहाँ के ऊपर अपनी एक तारीख लिखेगा हिंदुस्तान के अंदर। जब पहला कोई रिजल्ट निकलेगा तो मलिहाबाद से विधानसभा का यहाँ का MIM पार्टी का मजलिस का विधायक निकल के आएगा। अच्छा, एक बार बताइए, मजलिस की इतनी बात होती है, MIM पार्टी की इतनी बात होती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब इतनी बात करते हैं, 100 सीटों पर चुनाव लड़ा है उन्होंने। अब्दुल्ला आजम ने एक बात कही थी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़के सरकार तो नहीं बना सकते हैं लेकिन सरकार को बिगाड़ सकते हैं, तो इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? इसके बारे में हम यही ख्याल है कि सरकार हम अगर नहीं बना पाएंगे, तो अगर हम सरकार किसी की बन रही है तो उसमें हमारे बगैर किसी की सरकार भी नहीं बनेगी। अच्छा। और ये जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आ रही है, तो लिहाजा हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। अच्छा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद तो चले जाएंगे 10 तारीख 11 तारीख को, लेकिन बाद में पलट के दूसरे ही दिन टिकट करा कर अखिलेश यादव को भी जाना पड़ेगा अगर सरकार जा रहा है। चुनाव के दौरान अखिलेश यादव भी बुरा है, चुनाव के दौरान कांग्रेस भी बुरी है, चुनाव के दौरान बीजेपी भी बुरी है, लेकिन अगर सपोज करिए कि 10 सीटें आ जाती हैं और गवर्नमेंट बनानी हो बीजेपी को, गवर्नमेंट बनानी हो समाजवादी पार्टी को, तो फिर असद साहब क्या करेंगे? चुनाव से पहले भी जैसे आपने कहा, चुनाव के बाद, चुनाव के वक्त हम आपको बता दें 2012 में सब समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई थी और मैनिफेस्टो में अपने लिखा था कि 18% रिजर्वेशन मुसलमानों को देंगे। वो मुसलमान भूला नहीं है, जब उन्हीं ने कहा था जेलों में जो बेगुनाह मुसलमान बंद हैं उनको रिहा करेंगे, वो भी बात मुसलमानों को याद है। और आज जब हमारी बहन बेटियों के सड़कों पर हिजाब खींचे जा रहे हैं और आप जैसे मीडिया वाले उनसे पूछ रहे हैं तो उन कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही, तो वोटर ने भी तय कर लिया है कि अब की जब वोट डालने जाएंगे तो वो आवाज़ जो मशीन की आएगी वो 7 नंबर का बटन दबाएगी और आवाज़ आएगी तो वो कहेगी कि हाँ ये आवाज़ अब उनके कानों तक की जाएगी और कानों को चीर फाड़ के फेंक देगी। अच्छा, ये जो सिलेंडर है ये बम का काम करेगा क्या? ये बिल्कुल बम का काम तो नहीं करेगा वरना आतंकवाद का इल्ज़ाम लग जाएगा। अच्छा, लेकिन जो सेकुलर पार्टियाँ अपने को जो इस खुमार में है कि हम पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, हम 400 सीटें ला रहे हैं, उनको उस जगह पर बता देगी कि जो तुम्हारा घमंड है, जो तुम कहते हो कि इनसे गठबंधन नहीं करेंगे, 22% वालों का हक नहीं देंगे, तुम्हारा डिप्टी सीएम बनने की तुम्हारी हैसियत नहीं है, और 2% वाले राजभर के जैसे को बात नहीं करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि डिप्टी सीएम की कोई वैल्यू नहीं होती है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया, उन्होंने कहा कि वो नालियां साफ नहीं कर पाए, तो डिप्टी सीएम की उन्होंने कहा डिप्टी सीएम क्या है, डिप्टी सीएम तो कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी में बड़े बड़े कद्दावर लीडर जिनके पास 17-17 विभाग भी रहे, उनकी भी क्या औकात नहीं है? जब मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान घरों से बेघर हुए, तो किसी के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला, ना उनके खुद के मुंह से कुछ निकला, सैफई में बैठ के मुजरा देख रहे थे, ये किसी से छुपा नहीं है। कहाँ गए चाचा, ये क्या क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में? मैं किसी भी पार्टी की वैसी साहब बहुत अच्छे, बहुत काबिल आदमी है, हम बहुत इज्जत करते हैं, जिस तरह की ये बातें करते हैं हम किसी पे निजी टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, वैसी साहब अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आप बोलते हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं। ये काम उनको अपने घर से शुरू करना चाहिए था, जो यहाँ शरारत करने आए हैं वो, ये काम उनको वहीं करना चाहिए था। वहाँ पे उनके घर रोज मुख्यमंत्री आ रहा है, उनके बच्चे का खतना होता है तब भी मुख्यमंत्री आ जाता है, वहाँ पे क्यों नहीं हिस्सेदारी मांग रहे हैं, यहाँ क्यों आ गए उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी मांगने के लिए? अभी बिहार में आपने देखा कि हिस्सेदारी के सिलसिले में क्या हुआ, हिस्सेदारी के सिलसिले में क्या हुआ, बंगाल में बेशुमार पढ़ा लिखा और काबिल मुसलमान है, क्या हशर यहाँ हुआ? आप तो देखने के लिए कोई देख सकता है और देखे, देखना चाहिए। ये काम अपने घर से वैसी साहब को शुरू करना चाहिए, पहले वहाँ उप मुख्यमंत्री बनाए फिर उत्तर प्रदेश की बात करें। चलिए ठीक है, मेरे साथ एक शख्स और मौजूद नहीं, पहले आप आइए, अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपका चेहरा जो है वो राजभर में मिल रहा है ना, यहाँ लोग आपको कहते भी होंगे राजभर लग रहे हैं आप, तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से मुद्दे जिन पे सोच के आप वोट करने के लिए जाएंगे इस बार? अरे आप दूसरे को खींच रहे थे, आप अपना बता दे, बताइए आप, बोलिए हमें बल दिए, बोलिए, अरे आप बताओ भैया, हमें चल ठीक है। अच्छा, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इलेक्शन में इसमें मैन रहने वाले, जिनको सोच के वोट करने जाने वाले? देखिए मुद्दे तो बहुत से हैं क्षेत्र में,
जैसे रोड की है समस्याएं, हमारे अंदर जाइए थोड़ा सा एक आधा किलोमीटर पे, ठीक है, वहाँ जाइए, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं, आपको बाइक से जाना दुश्वार हो जाएगा। तो मुद्दे तो हमारे बहुत हैं, सड़क है, सुरक्षा है, बेरोजगारी है। और रही गुटबंदी की बात, हर पार्टी में होती है, बीजेपी में नहीं चल रही, आपसी भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं, ये पारिवारिक है, पार्टी है, उसमें कुछ नहीं। ये तो देखिए लोग 5 साल से झेलते चले आ रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, विनाश करके रख दिया, हिंदू मुस्लिम करके रख दिया, पूरे क्षेत्र में क्या, पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में एक हाहाकार मचा हिंदू मुस्लिम। ये क्या है, हम हिंदू मुस्लिम बचपने से रह रहे हैं, हमारी नस्लें रह रही हैं, कभी हमने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। आज भी हमारे हिंदू भाई हैं, दोस्त हैं, अपने हैं, रिश्तेदार हैं, सब अपने भाई की तरह रहते हैं, रिश्तेदारों की तरह, ऐसा कुछ नहीं। हमें वो वातावरण चाहिए जिसमें हर चमन के फूल खिले हों, हर बिरादरी के लोग रहते हों, हर समाज के लोग रहते हों, हर समाज को सुरक्षा का दावित देना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, ये संविधान कहता है। हर चाहे सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म का मानने वाला हो, इस मुल्क का बाइज्जत बावकार शहरी है, क्योंकि हमें ये संविधान ने दिया है, हक दिया है, तो ये हमारा राइट है। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ हमें सोचना है, हमें हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें जो है सड़कों का विकास चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारी सुरक्षा हो, भाईचारा हो, देश खुशहाल बने, लोग पूरी दुनिया में आज भारतवर्ष का नाम करते हैं, क्योंकि हमें राष्ट्रवाद होना चाहिए, हमारे दिल में राष्ट्रवाद की चिंगारी होना चाहिए, दिल से होना चाहिए। जब हमारा दिल फाड़ा जाए तो भारत लिखा हो उस पे, हम उस देश के मानने वाले हैं, हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं आता, क्योंकि हम इस देश के बाइज्जत बावकार शहरी हैं। और हमें कोई बताए ना कि हम इस देश का, या हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ स्वतंत्र संग्राम सेनानी पैदा हुए हैं, 6-7 मलिहाबाद में इन्हीं ने जो है रामबास कूटा, चाहे डॉक्टर समी खां आज़ाद मलिहाबादी हों, चाहे मोहम्मद जुबैर खां आज़ाद मलिहाबादी हों, बहुत से ऐसे मैं नाम लूँगा, फिर लंबी फहरिस्त है। तो हम लोगों को कोई प्रमाण करने की, कोई बताने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग वोट इसी में दे रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए, हमें एका चाहिए, हमें लोगों में प्यार मोहब्बत चाहिए, है नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारे जो बेचारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेचारे कोई एमए किया, कोई बीटेक किया, कोई उनको नौकरी से वंचित हैं, हमें उनको चाहिए, वो बेचारे बेरोजगारी हैं, कोई 600-700 रुपये, 2000 रुपये की नौकरियाँ कर रहे हैं। आज ये क्या है, आपने कितने 1000 नौकरियों का वादा किया था कई इलाकों, क्या दिया? हमें एक ऐसा चाहिए माहौल, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो सबको हो, सब धर्मों का आदर करता हो, सबको सुरक्षा दे, सबको है नहीं न्याय अच्छा, दिलाए। अच्छा अच्छा, ऐसा मुख्यमंत्री कौन है, ऐसी पार्टी कौन सी है? इतनी सारी आपने बातें कही हैं, तो आपको क्या लगता है कौन पार्टी ऐसा कर सकती है? जो सेक्युलरिज्म पे चले वो पार्टी चाहिए, जो सबको देखा है कि हिंदू मुस्लिम सिखा, इसमें कोई मतभेद ना हो। क्या अखिलेश यादव हिंदू नहीं है? क्या मायावती जी बहन हमारी हिंदू नहीं है? क्या योगी आदित्यनाथ जी हिंदू नहीं? सब हैं, मगर उसमें जो हमारी बात करता है, जो हमारे हक हकूक की बात करता है, उसको हम चुनने का काम करते हैं, करते आए हैं। हम इसी मारे तवक्का करते हैं कि आने वाला दिन हमारा माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने और प्रदेश का विकास हो। हम बस अभी कोई मीम पार्टी के इतनी सारी बातें कही थी, अभी इन्होंने अखिलेश यादव तो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, तो समझ में नहीं आ रहा स्टैंड क्या है, मीम पार्टी के साथ स्टैंड है या फिर वो अखिलेश यादव कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बात हमारे पप्पू भाई ने कही, और बातें भी उन्हीं ने वो कही है कि जो हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता। इन्हीं ने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हमारे भाई। ओवैसी साहब कहाँ से आ गए, जैसे मसूद भाई ने कहा, लग रहा है ओवैसी साहब कहाँ के हैं, यहाँ 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 ना लड़ें तो हिंदुस्तान, हमें लगता है कि वो भारत का अंग नहीं है, जहाँ से नहीं आप बताए। मैंने ये कहा कि ओवैसी साहब बहुत शरीफ, बहुत अच्छे आदमी है, चुनाव ना लड़े, नहीं पार्टी बना के चुनाव। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। मैंने ये कहा मेरे को ओवैसी साहब अच्छे आदमी है, वो जहाँ से आते हैं उस प्रदेश का मुख्यमंत्री हर मिनट पे उनके घर पे बैठा हुआ है। वहां पे पहले ये जो दावा यहाँ हो रहा है कि पहले दावा वहाँ करें फिर यहाँ करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। वहाँ वो 7-8 सीटों पे लड़ते हैं, वो दावा ना करें।
हिंदुस्तान के अंदर जब वो वैसे भारत के एक अभिन्न अंग में रहते हैं और भारत के आईन संविधान की सबसे ज्यादा अगर कोई कूट कूट के बात करता है तो वो एक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये गूंगे और बहरे जो संविधान के अंदर बैठ के कसम तो खाते हैं कि हम तमाम और सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यक समाज खास करके जो उनका वोट है उसको उसकी तमाम भागीदारी, ये नौबती क्यों आती है अगर 18% रिजर्वेशन आप दे देते, हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे पप्पू भाई कह रहे थे ग्रेजुएट किए हुए घूम रहे हैं तो वो क्यों घूम रहे होते अगर आप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है कि इनको आरक्षण दीजिए अपने अपने स्टेट में, क्यों नहीं आपने दिया, सवाल आप ही से किया जाएगा। आप जो सड़कों की बात कर रहे हैं वो सड़कें इस 5 साल में नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ वो 20-50 साल में सड़कें गहरी गड्ढा हुई है, आज तक की नहीं बनी है, आज तक की यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं हुआ, 5 साल पहले डिग्री कॉलेज था क्या, खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, 5 साल पहले यहाँ के अच्छे अस्पताल थे, 5 साल में आज भी नहीं हुए ना 5 साल पहले थे। मैं तो उन्हीं को वही बात मैंने अपनी शुरू में कही थी कि ये सेकुलर का चोला जिनको ओढ़कर हम लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया डर के, ये नौबत आ गई कि मुसलमान आज की तारीख में कहां खड़ा है उसको खुद सोचना पड़ेगा। हमारा एक सर्वे है जिसमें हिंदू भाइयों ने 100% हिंदुओं ने कहा कि मुसलमानों का भी लीडर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर हर समाज की पार्टी है और उसका लीडर भी है, हमारे समाज के अंदर नेता तो बहुत हैं मगर लीडर कोई नहीं है, वो ऐसे ही खामोश रहेंगे मुजफ्फरनगर पूरा जल जाएगा, 50,000 मुसलमान घर से बेघर उस वक्त हो जाएंगे और जब कैंप में रहेंगे तो आपकी पार्टी बिल्डोजर चलाएगी, हिजाब पे जब पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सुनाई नहीं दे रहा, ट्रिपल तलाक के ऊपर जो बोल रहा है कह रहा है कि मुसलमान अपना शौक पूरा करने के लिए 4-4 शादियां करते हैं उसको मलिहाबाद में उसको स्वागत हार पहनाए जाएंगे उसका स्वागत किया जाएगा, सुनील सिंह जो अपने मंच से कहता है कि हिंदू मुसलमानों के घर की बहू बेटियों को निकालकर उनके बलात्कार किया जाए, समाजवादी पार्टी यही लोग जो सेकुलर बने हुए हैं वो टिकट देने का काम करते हैं और यहाँ का जो असद साहब कह रहे हैं उसको कह रहे हैं कि गलत है। सुनील सिंह को कहाँ से टिकट हुआ? सुनील सिंह चुनाव के मैदान में अखिलेश यादव के साथ में मंच के ऊपर हैं भाई साहब। कहाँ पे हैं? कहाँ पे नहीं है, आप तमाम फेसबुक ट्वीट के ऊपर आप देख लीजिए, उन्होंने स्वागत किया है स्वयं किया है। अच्छा। जी जगह का नाम बताओ, मैं भी यही पूछना। गोरखपुर हिंदू युवा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा देखो ऐसा होता ना, दुनिया में घूमो तो 7 चेहरे एक से मिल जाते हैं, हमारे पास एक गाँव है शेरपुर, वहाँ पे एक लड़का है आमिर। अच्छा। उसमें आप बहुत मिल रहे हैं और बात भी ऐसी कर रहे हैं जज्बाती में, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जज्बात में कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं तार्किक बात कर रहा हूं। हां तार्किक बात कर रहा हूं, एक बात का मेरी जवाब दे दो। ओवैसी साहब मैं चाहता हूं कि वो बात में कभी मैं उनसे मिलूंगा, उनका इंटरव्यू करूंगा तो मैं उनसे भी पूछूंगा। 100 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, सियाना विधानसभा मेरी अपनी विधानसभा वहां पर चुनाव हुआ है, ओवैसी साहब का कोई कैंडिडेट नहीं है वहां पर, मुसलमानों के 78,000 वोट है, सब नोटा पे दबैया है क्या? ये वोटर का अधिकार है, अरे वोटर जो अच्छा कैंडिडेट हो वहाँ के ऊपर नहीं। समाजवादी पार्टी सुनो मेरी बात, समाजवादी पार्टी बुरी कहना चाह रहा हूं, अरे मेरी बात तो सुनो, देखें वहाँ समाजवादी, समाजवादी पार्टी बुरी, बीएसपी बुरी, बीजेपी बुरी, सारी पार्टियां बुरी है, तो मुसलमान क्या करे, नीचे वाला नोटा का जो बटन है वो दबा के वोट खराब कर। एमआईएम बुरी है, आप ये कहलाना चाह रहे हैं हमसे? एमआईएम बुरी ना, 403 सीटों पे लड़ा होना यार, 403 पे भी लड़ेंगे जितने पे हमारे 50 विधायक भी अगर आ गए तो, जैसे बिहार में हमारे 5 जो है सियासत में इस वक्त अपना जलवा दिखा रहा है। आप कह रहे थे कैंडिडेट देखो, अगर बीजेपी बीजेपी का कैंडिडेट ऐसा हो, बीजेपी मेरी पहली बात सुनिए, एनआरसी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर तमाम सेकुलर पार्टी के सांसद बैठे हुए, ओवैसी साहब पे, ओवैसी साहब ने रुको, ओवैसी साहब के साथ उन्होंने कानून फाड़ के फेंक दिया, लेकिन कितने एलिगेशन लगते हैं किसी भी क्या कहते हैं धरने में, ओवैसी साहब नहीं दिखाई दिए मुझे, बताओ सीए के किसी धरने में दिखाई दिए हो तो, अब सीए लगता नहीं लगता है, आप आपने कहा एक मिनट रुको, सुनो सीए के धरने में, सुनो मेरी बात, सुनो सुनिए, अरे पहले हमारी तो सुन लो, सुन लीजिए, सीए का धरना जो आपने कहा, क्या अखिलेश यादव किसी सीए के धरने में दिखे? एक दिन लखनऊ घंटाघर में हुसैनाबाद में उनका बच्चा घूमने आ गया था, सुबह उनको जवाब देना पड़ गया था कि ये बच्चा वहाँ घंटाघर प्रोटेस्ट में नहीं गया। तो मानते ही ना अखिलेश यादव मुस्लिम लीडर नहीं, मुस्लिम लीडर है ओवैसी साहब, उनको आना चाहिए, अखिलेश हमें क्या लेना चाहिए बताओ मुझे, तो आ ही रहेंगे, कहाँ आ रहेंगे, अरे सियासत में अभी देखिए रिजल्ट आने, सियासत में आज अभी आए क्या, इसी 100 सीटों में नहीं आए, तिरंगा रैली, तिरंगा रैली निकाली है पूरे हिंदुस्तान के अंदर और हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में पत्रकारों पे तो इधर आओ, पत्रकारों पे तो ये सुनो, पत्रकार मोदी की बात करें तो मोदी मीडिया, समाजवादी की, अरे मोदी की बात, समाजवादी की बात, मेरी बात सुनो ना, तुम्हारी बात का जवाब समझ रहे हैं, मेरी बात सुनो, आपकी बात नहीं सुनाई, मेरी बात चलो तुम सुनो, आपने ये बात कही कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सीएनआरसी पर कभी दिखे नहीं, अरे मैंने क्या कहा कि पार्लियामेंट में पर्चा फाड़ा, ये बात कही ना मैंने, कही नहीं, लेकिन शाहीन बाग ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ, क्या शाहीन बाग फेमस हुआ, अखिलेश यादव को कम माने हैं मुस्लिम लीडर यार, हम माने ओवैसी साहब को मुस्लिम लीडर, मुस्लिम लीडर माने ओवैसी साहब को, ओवैसी साहब को
सेकुलर मान ओवैसी साहब को मुस्लिम मानने वाले नहीं माने। सेकुलर क्यों बनूं मैं? क्यों बनूं मैं? मानने के लिए मान रहे हो? क्यों मैं नहीं मानता सेकुलर? तुम मान रहे हो? मैं क्यों मानूं? मैं अगर मैं ओवैसी साहब को अगर मुस्लिम लीडर मान रहा हूं तो उन्हें आना चाहिए, अखिलेश यादव को आना चाहिए? मुस्लिम लीडर नहीं मान रहा हूं मैं। आप चलो मैं मुस्लिम अपने मुंह से कह रहे हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं मुस्लिम लीडर, मैं मुस्लिम लीडर नहीं मान रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी लीडर नहीं का मुस्लिम लीडर नहीं माने, मुस्लिम लीडर नहीं। हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब दलित कुचले नौजवान बेरोजगार दबे हुए लोगों के नेता हैं। हम उनको मुस्लिम केवल नहीं मानते हैं, हमारी पार्टी में 97 प्रत्याशी यहां पर लड़ रहे हैं बेवर MIM टिकट से, जिसमें से 19 लोग हमारे भाई हिंदू लड़ रहे हैं। ठीक, उसमें दलित भी हैं, पंडित भी हैं, ठाकुर भी हैं, सभी लोग लड़ रहे हैं। इसका मतलब कहां से हो गया कि वो सिर्फ मुस्लिम के नेता हैं? इन्होंने अभी एक बात ये कही कि मुसलमानों का भी नेता होना चाहिए, हर पार्टी का एक नेता है। दलित सुनोगे यार, कम से कम बोलने तो दो यार, बोल। मैंने एक सर्वे बताया, इन्होंने नहीं कहा यार। आप बताओ बताओ बताओ, मैं ये कह रहा हूँ कि तो ये दोनों आपस में भी बोल रहे हैं। सुनो, सुनते रहो। मैं ये कह रहा, आपस में नहीं लड़ रहा, जवाब दे रहा था। वो कह रहे थे हमने दे दिया। जो आपने ये बताया, राजा भाई ने कहा मुस्लिम का लीडर होना चाहिए। हकीकत में बात यह है, आज देश 70 साल 72 साल आजाद हुए हो गए हैं, मुसलमानों ने अपनी कभी सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था। ठीक है, सियासी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया था, सियासी नेता नहीं चुना था, जो कि अब आ गए हैं, अब चुन रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हमने बताया कि 19 टिकट हिंदू भाई को भी मिले, उसमें सारी तमाम बिरादरी हैं। ठीक है, इससे जब ये नहीं आए थे असदुद्दीन ओवैसी साहब, रहनुमा बन करके हमारे, एक फरिश्ता बन करके नहीं आए थे, उससे पहले 72 साल से लगभग मुसलमान गुलामी कर रहा था। किसकी? अखिलेश यादव की कर रहा था, बहुजन समाज पार्टी की कर रहा था, कांग्रेस की कर रहा था। पलट के उन्होंने क्या दिए? मुजफ्फरनगर दंगा दिया हमको। ठीक है, दादरी दी, बाबरी दी, तमाम नौटंकियां ये लोग बनाए। हमेशा हमेशा ये लोग सिर्फ मुसलमान का 20% नोट लेकर के अपनी सरकार बनाते थे, मलाई खाते थे, अपने घर में 19-19 विभाग देते थे। 19-19 लाल बत्ती अखिलेश यादव के परिवार में चल रही थी, और 18 साल का नौजवान अखिलेश यादव के यहाँ हो जाता था, वो विधायक को मंत्री बना दिया जाता था। ठीक, ये इन्हीं अपने वोटों से बनते थे, अखिलेश यादव अपने वोटों से बनते थे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं आप बताइए। सर्व समाज की बात करनी चाहिए ना, सर्व समाज की बात। खाली मुसलमान, अभी बीजेपी के जब पिछले इलेक्शन हुआ, सरकार बनी, बीजेपी वालों ने कहा कि मुसलमानों ने भी बहुत सारा वोट दिया। भाई ने एक बात कही कि जहां पर ओवैसी साहब का कैंडिडेट नहीं लड़ा, वहां ये देख लो कैंडिडेट तुम्हारे मतलब का कौन लड़ा है। अगर बीजेपी का कोई ऐसा कैंडिडेट लड़ा जिससे मेरे ताल्लुक आते, तो फिर मुझे बीजेपी को वोट दे देना चाहिए? इस बात की सफाई पेश करो। वो वोटर की जिम्मेदारी है, वो किस पर क्या दे रहा है। ये हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, वो उस अपने मालिक है वोटर का। हम लोग जाते हैं वोटरों के पास, हाथ जोड़ के, पर्चा दिखा के, निशान दिखा करके वोट लेते हैं। उसकी जहां इच्छा होगी वहां देगा। एक बात, ये बात ठीक है ना आपकी, कि जो वोटर का अपना हक है, अगर मुझे लगता है कि ओवैसी साहब का कैंडिडेट जीत रहा है, तो मैं ओवैसी साहब का कैंडिडेट को वोट डालूंगा। और अगर मुझे नहीं लग रहा जीत रहा, तो मैं गड्ढे में वोट क्यों डालूंगा? मैं वोट उसको डालूंगा जो ऐसी ताकत को रोक सकता है ना। बढ़ेगा, 70 साल में बीजेपी का भर गया तो किसी का भी भर सकता है। हां बताओ, अगर कोई ओवैसी साहब का कैंडिडेट खड़ा है, अगर हम लोग यानी कि वोटर ये सोचे कि ये तो बेकार है, इनको वोट ही नहीं देना है, यानी कि इनके पास ये जीत तो पाएंगे नहीं, तो ये तो हमेशा, अगर वोटर नहीं वोट देगा तो वो हमेशा नहीं जीत पाएगा। वो वोट देते देते देते, जैसे यहाँ पर कौशल किशोर की बात हम बोल रहे हैं, कौशल किशोर मालूम क्या मरते चुनाव हारे, 6 मरतबे लगभग, 6 मरतबे चुनाव हारे, अब जीते, विधायक बने, सांसद बने, फिर उनकी बीवी विधायक बनी बन गई, वो केंद्र मंत्री बन गए, एक दिन उनका गड्ढा भर गया। तो लिहाजा यही है, हम लोग कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर लोग अपने आपस में मिलजुल करके देते रहेंगे वोट, तो एक दिन इंशाल्लाह ताला जो है, एक दिन, अब ऐसा वक्त आ चुका है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वक्त नहीं लगेगा, नहीं अब किसे। और अब किसे मैं ये बता दूँ आपको, 2022 में अगर सरकार बनेगी वो मिली भगत बनेगी, अगर हमारा एक विधायक आता है तो, 10 विधायक आते हैं तो, 50 विधायक आते हैं तो, बगैर MIM के, बगैर MIM के सरकार नहीं आने वाली है। मेरी बात सुनो, बिहार का छोड़ो, बिहार का मसला नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का मसला चल रहा है। ये कह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा कमजोर हैं, और
कमजोरी बता रहे हैं कि हम कमजोर हैं। जब भाई में आपस में भाई से लड़ाई हो जाती है तो वहाँ कमजोरी सब भूल जाते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो मुसलमान को कमजोर बता दिया जाता है कि मुसलमान कमजोर है। अच्छा चाचा आप मेरे साथ खड़े हैं, एक मिनट अब सबसे बात कर लूँ, तुम दोनों से बात कर रहा हूँ तो सारी मीम पार्टी के प्रवक्ता हो जाएंगे। सियासी तो है, हाँ सियासी नहीं है, एक जनरल आदमी है। मैं आपसे बोले क्या नाम है? हम किसान आदमी, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद खान है। हम किसान आदमी हैं जी, हम रात दिन जानवर बचा रहे हैं, हमारे खेतों को चले जा रहे हैं सब। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये है तो हम समाजवादी को वोट देंगे। अच्छा। वो हारे हैं या जीते कुछ करें और देते हम चले जा रहे हैं। मोहम्मद शाहिद खान। अच्छा जी, आपका नाम शाहिद है, आप जो है तो ओवैसी साहब को वोट क्यों नहीं दे? ओवैसी को हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे। आप क्या कह रहे थे आप बताएं? मैं ये कह रहा हूँ जो हमारे भाई भी MIM के भाई हमारे कह रहे थे कि हम बहुत कमजोर हैं, मैं मुझे इतराज है कि इन अल्फाजों पे, हम बहुत मजबूत हैं। आप बात कर रहे थे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। तो आप बोलते हैं तो सुनने का मौका भी रखिए। मुझे इनकी बात इस बात पे इतराज है कि हम कमजोर हैं। जो लोग, जो मुल्क आजाद हुआ, जब मुल्क आजाद हुआ जो लोग कमजोर थे वो पाकिस्तान चले गए। बिल्कुल सही बात। जो लोग मजबूत थे वो हिंदुस्तान रुक गए। अबुल कलाम की आवाज हम सुन रहे थे जामा मस्जिद की सीढ़ियों से, कह रहे थे कि ये तुम्हारी कब्रें, ये तुम्हारी जामा मस्जिद, ये तुम्हारा कुतुब मीनार, ये तुम्हारा लाल किला तुम्हें बुला रहा है, क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? हम नहीं गए, ये हमारी जमीन है। हम इतना पसंद करते हैं जमीन में कि दिन में 5 बार चूमते हैं और इस पे सजदे करते हैं। इतना पसंद है मुझे ये जमीन, और जब मरते हैं तो इसी में दफनाए जाते हैं। हम कहीं से कमजोर नहीं है। हम सन 47 में हम ताकत में थे, हम आज भी ताकत में हैं। रहा सवाल इस बात का, हम 20-22% है। सब तरह के नेता, सब तरह के लीडर, कौन मुसलमान लीडर, आजम खान को प्रोटेक्ट किया, CM बनाए जाते थे, कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाए, कैबिनेट मिनिस्टर कई बार रहे, सेकंड मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ये बताते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे हो सकता है इनकी अपने ख्याल। योगी जी ने एक इल्ज़ाम लगाया कि अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि आजम खान बाहर आ जाएं। बिल्कुल बेबुनियाद आजम बात करते हैं। इतना उनके यहाँ आपस में इतना इंतशार है कि यार लोकल गांव में पता है। अखिलेश यादव ने आजम खान 2-2.5 साल 3 साल जितने भी जेल में रहे उनका बेटा रहे, लेकिन अखिलेश यादव को मैंने कहीं ये नहीं देखा कि उनके लिए जोर लगा रहे हो कि नहीं आजम खान को बाहर निकालना चाहिए, अब्दुल्ला आजम को बाहर निकालना चाहिए। ये बात मैंने अब्दुल्ला आजम से ही पूछी थी। अगर आप हमें टाइम देते, अगर ये मालूम होता कि आप आ रहे हैं, तो उन तमाम जो पार्टी ने हमारे वकील किए हैं 7-7 लाख 8-8 लाख रुपए के, जो उन मुकदमों की पैरवी कर रहे हैं, लगभग 3 मुकदमे बचे हैं और लगभग सब में जमानत हो चुकी है, वो सब पार्टी फंड से पैसा जा रहा है और आजम भाई के लिए बाकायदा लड़ रहे हैं। एक लम्हे में जब वो बीमार हुए हैं तो पहुंचे हैं वो अस्पताल, एक लम्हे पे वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर को फोन करते हैं और पूछते हैं क्या हालत है। अब BJP को कहने के लिए तो कुछ बचा है नहीं, तमाशे सिर्फ कर रही है। अच्छा तमाशे कर रही है, चलिए। अच्छा आपका क्या नाम है भाई? एहसान जावेद खान मेरा नाम है, मैं गैर सियासी आदमी हूँ। वोट तो डालने जाएंगे, वोट डालने जाएंगे, संविधान का अधिकार है, वोट डालेंगे और जरूर डालेंगे और डलवाएंगे। नीति और नियत पे हम वोट देंगे। किसको दे रहे हैं? जिसकी नीति और नियत सही है। अभी पिछले दिनों कुछ योगी जी ने कहा था कि 20 और 80, अब वो 20 और 80 की जब फाट कर दी है तो उसी में इलेक्शन चलेगा। अच्छा। मोदी जी के लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि जो BJP में 20 हैं, मोहसिन रजा हैं, आपके आरिफ मोहम्मद खां हैं और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं और 2-3 शाहनवाज हैं दिल्ली में बैठे हुए, ये 20 में आते हैं या 80 में आते हैं, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए। समझ रहे हैं? हम उसी पे वोट देंगे, हम फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए वोट करेंगे। अच्छा आपका जो वोट है वो फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए है। अच्छा क्या नाम है आपका? अरबाब। वोट आया? हाँ। किसको करेंगे वोट? साइकिल को करें। साइकिल को? अच्छा ठीक है। क्या नाम है? तुषार। वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। साइकिल को? साइकिल को। तुषार ना, पूरा नाम क्या है? तुषार मिश्रा। तुषार मिश्रा जी, मिश्रा जी मतलब साइकिल को वोट करेंगे? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, आप भी आ जाओ। क्या नाम है? सिराज हमदी। कश्मीरी से लग रहे हो यार? हैं लगभग वही है, अफगानी है। अच्छा आप किसको वोट कर रहे हैं? हम AIM को। AIM को जी। अच्छा ठीक है। अरे तुम तो पूरे AIM बने खड़े हो, पतंग ही बाकी रह गई है बस। हाँ सही, क्या
वही हम खड़े हैं हर टाइम रात जी चल रही है वही आपको वोट देंगे इंशाल्लाह वही जीतेंगे। अच्छा बताइए। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद शुएब खान। क्या 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 मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जिनको सोच के इस बार जो है आप वोट करने जाएंगे? भाई देखिए मुद्दे तो तमाम हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनके खिलाफ हम वोट करेंगे। और अब की हम अखिलेश को देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने अखिलेश को देखा है। आने वाले टाइम में अगर अखिलेश इसमें काम नहीं करेंगे सही ढंग से तो फिर हम अपनी ही पार्टी पकड़ेंगे, AIM अपना सदर पकड़ेंगे, असदुद्दीन ओवैसी पकड़ेंगे। लेकिन इसकी बात लेकिन लेकिन अभी 5 साल और अखिलेश यादव को चांस देना चाहते हैं, देना चाहते हैं इंशाल्लाह। अगर उसके बाद वो काम नहीं करेंगे तो फिर असद साहब को बिल्कुल बिल्कुल साथ में जाएंगे, चाहे हारे चाहे जीते, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ओवैसी साहब के साथ जाएगा। इस बार अखिलेश को और ताकत को देखें। ठीक है चाचा, क्या नाम है? मेरा नाम उजैर खान। अच्छा खान साहब, किसको वोट कर रहे हैं? हम वोट तो शुरू से उसी को देते आ रहे हैं, वो हंसिया वाली का था बेचारा। अच्छा। है अभी भी राजमंत्री हैं। कौशल की बीवी के अलावा हम वोट नहीं देंगे। अच्छा। हमारे पापा जिंदा थे, मर गए, सेनानी के आदमी थे, उनको हम वोट देंगे। अच्छा। और विधायक जी जो हैं लोग यहाँ जितने भी आए कोई कभी नहीं आया, ये जो लोग गलत बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे। विधायक जो भी यहाँ के होता है वो यहाँ के लोग उसको नहीं आने देते, पैसा लेके खत्म कर देते हैं। भाई जिस रोड से आप जाते हैं वो रोड कैसी है बता दीजिए खाली, वो रोड बता दीजिए। शुरू से बारे में नहीं आ रही है, शुरू से बारे में नहीं आ रही है, पता नहीं जाती औरतें। देखिए किसी को दें मगर इनका जबरदस्ती वोट साइकिल पर हम डलवाएंगे, ये हमारे बड़े भाई हैं। हम देखिए 60 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है हमारी, हम झूठ नहीं बोलते हैं। क्या नाम है आपका? आगे आ जाओ आगे। मेरा नाम है कौशल किशोर। कौशल किशोर जी, ये बताइए इस बार जो चुनाव हो रहा है, मुझे लगता है कि चुनाव जो मुद्दों पे होना चाहिए, मुद्दे होने चाहिए, तो वो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको सोचकर आप वोट करने जाएंगे? हम लोगों ने जो है समाजवादी पार्टी के जो मुद्दे बनाए गए हैं, हम पूरी लगभग 6 महीने पहले से हम लोग वर्क कर रहे हैं इस पर समाजवादी पार्टी के ऊपर, और समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए गांव-गांव जाए गए हैं, लोगों से बताया उनको, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे सरकार देगी, और 1500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे जिनको 500 रुपये मिल रहे हैं, 18,000 जो लेबर वर्क है उनको दिया जाएगा जो काम करने वाले लोग हैं। तो इसी तरह के मुद्दे जो हमारी समाजवादी पार्टी ने किए हैं, हम उन मुद्दों के लेकर के ही चुनाव में हम लोग उतरे हैं। और इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट श्री सोनू कनौजिया को जिता करके भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। अच्छा चलिए, देखिए बहुत लोगों से बात हुई है यहाँ, मीम पार्टी के भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को जो है एक चांस और देना चाहते हैं। इस बार का जो मुसलमानों का वोट है वो ज़्यादा परसेंटेज में, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है पर्सनली, वो यही है कि मुस्लिम वोट बहुत कम खता पर है और वो एक बार फिर अखिलेश यादव को चांस देना चाहता है MIM पार्टी को। और बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मीम पार्टी के भी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता वो एक अलग की चीज़ है, लेकिन देखना ये होगा 10 तारीख में कितने विधायक उनके जीत के जाएंगे, ये तो वक्त बताएगा, 10 तारीख बताएगी। और लखनऊ की 9 विधानसभाओं पर जो इलेक्शन होने हैं उसमें ये 168वीं विधानसभा है जिसपे हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों की रिएक्शन आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं मजहर खान फॉर FM टॉक।